हेलो बच्चों, कैसे हो? सब सब बढ़िया। अच्छा, मैं बंटी केसी आपका टीजीटी मैथ्स का टीचर हूँ, जो पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो कि 10th क्लास से है आपका। तो चलिए उसका कुछ बेसिक इंट्रो पढ़ते हैं कि इसमें है क्या पढ़ने के लिए बच्चों, और ये कैसे होगा, ठीक है? चलिए बच्चों, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है बेटा, वो आपके 11th में भी काम आने हैं और 10th में तो पढ़ने को है पूरा चैप्टर आपके पास, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, ठीक है? चलिए, तो आज हम पहले तो समझें कि डेफिनेशन क्या है इस चैप्टर की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, तो देखो सबसे पहली चीज़, सारी सारी जो समरी होती है उस चैप्टर में ही होती है कि हाँ वो चीज़ है क्या। तो पहले हमारा मतलब होता है कि उसके बारे में जानना कि उसमें करना क्या है आपको। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसी के थ्रू पहले हम जानते हैं, एक वर्ड है सिक्वेंस। हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है? सबने पढ़ रखा होगा सीक्वेंस, याद है किसी को? 8th क्लास में एक चैप्टर था स्क्वायर और स्क्वायर रूट, उसमें सीक्वेंस आते थे, आप पहचानते थे, है ना? तो हम बात करते हैं हैविंग सर्टेन पैटर्न, हैविंग सर्टेन पैटर्न इन नंबर्स, ठीक है? नंबरों में कोई सर्टेन पैटर्न होना बच्चों सीक्वेंस होता है, ठीक है? मैं एक और चीज डाल देता हूँ, एपी इज आल्सो ए सीक्वेंस, ठीक है? सीक्वेंस कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए, अब हमने पता लगा लिया कि सीक्वेंस होता क्या है, तो हम बताते हैं कि सीक्वेंस के एग्जांपल क्या होंगे, और उसी में छुपा होगा आपका एपी का एग्जांपल, ठीक है? चलिए बताना मेरे को, ठीक है? देखिए, सीक्वेंस है 2 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 6 इंक्रीज हुआ, फिर 8 इंक्रीज हुआ, फिर 10 इंक्रीज हुआ, फिर 12। सीक्वेंस दिख रहा है, अगला बताओ क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 14 इंक्रीज कर देना, ठीक है? चलिए एक और करते हैं सीक्वेंस में, ठीक है? आप सोच के देखिए, सारे के सारे सीक्वेंस है। अच्छा, तो मैं एक और सीक्वेंस देता हूं आपके लिए, 2 4 8 16 32। देखा जाए तो सबके सब सीक्वेंस है, सबके सब। कैसे? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ऑल दीज आर सीक्वेंस। देखिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अच्छा, यहाँ पर क्या है? 4 इंक्रीज, 4 इंक्रीज, 4 इंक्रीज, 4 इंक्रीज, 4 इंक्रीज। इसको हम एपी भी बोलते हैं, ठीक है? एपी, ठीक है जी। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, पहले आपने देखा कि सीक्वेंस का मतलब कोई सर्टेन पैटर्न होता है जिसको आप आइडेंटिफाई कर लो, एंड देन आप उसके बेस पर आगे के नंबर निकाल सकते हो, है ना? अब हम बात करते हैं एपी की। एपी में क्या देखा? एनी सीक्वेंस विच इज इंक्रीज, देखो उसका मतलब होता है या तो कोई चीज़ बढ़ रही होगी या कोई चीज़ घट रही होगी, इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये देखिए, इक्वल इंटरवल पे बढ़ रहा है, तो एपी के डेफिनेशन क्लियर हो गई है, ठीक है? तो अब हम ये समझ गए कि एपी होता क्या है, क्लियर है? चलिए, तो अब हम एपी के डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों। एपी एनी सीक्वेंस, ठीक है? तो आपने ये तो पहचान लिया सीक्वेंस क्या है, और यही छुपा हुआ था हमारा एपी, ठीक है? तो एनी सीक्वेंस, ठीक है, विच इंक्रीज और डिक्रीज एट इक्वल इंटरवल, क्लियर है बच्चा? सोच के देखो, अब आप, मैंने आपको अभी बताया, देखिए इक्वली बढ़ रहा था, ठीक है? तो अब सब कुछ छोड़ के हम एपी में डिस्कस करते हैं। आपने समझा सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस के पार्ट में ही एपी आता है, ठीक है? तो चलिए, अब हम इस एपी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, 1 5 9 13 17 21 25। अगर आप नोटिस करो, सम में 4 इंक्रीज हो रहा है। देखिए, या तो आप 4 4 इंक्रीज करते रहिए या 4 4 डिक्रीज करते रहिए, एपी रहेगी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा 4, कुछ भी नंबर हो सकता है जी, ठीक है? तो अगला नंबर बताओ क्या होगा, 4 ऐड करो 29, तो ये सीरीज
चलती रहेगी। तो पहली बात आपने ये पहचान लिया, कोई भी नंबर या तो इक्वली बढ़े या इक्वली घटे, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ की एलिमेंट है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा ए एन, इसको भी समझते भी हैं। चलिए तो सबसे पहली चीज़ बच्चे, हमें ये किसी भी एपी के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ होती है। अगर आपके पास ये है ना, आप कुछ भी निकाल सकते हो एपी में, कुछ भी, ठीक है। कैसे आप समझते हैं, देखिए अगर मैं बोलूँ इस एपी के अंदर जो एपी बढ़ रही है, इस एपी में मेरा पहला टर्म क्या है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे कि सर वन। चलिए जी, अच्छा इसमें एपी में बढ़ क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस जो सब में कॉमन है वो डिफरेंस क्या है, फोर फोर फोर, पता तो है, लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने लिखाया था ए एन, इसका मतलब होता है कि कोई भी टर्म होगा उसका प्रिसीडिंग टर्म, प्रिसीडिंग मतलब पिछला टर्म माइनस कर दो। सपोज करो मैंने यहाँ पर टू रखा और यहाँ पर टू माइनस वन यानी एक हो गया, टू माइनस वन। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए, जरूरी नहीं कि आप ऐसे निकालें, देखो ध्यान से, अगर मैंने d निकाला और मैंने a फाइव लिया तो इसमें से क्या माइनस करूँ बताओ, फोर करूँगा। अच्छा अगर d निकालना है, a टेन है मतलब दसवां नंबर होगा मेरे पास, तो क्या माइनस करूँ, a नाइन, क्लियर है। चलिए तो ये सबको समझ में आ गया होगा, तो बताइए यहाँ पर d कैसे निकलेगा। अब आपका a टू कितना है, फाइव, a वन ये रहा ये। तो पहली चीज एपी देखो क्या है, उसमें से ए और डी निकालना सीखो। अब हम फॉर्मेशन पे आते हैं, एपी के उस फॉर्मूले की बात करते हैं जिससे आप कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हो। मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। चलिए आई होप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ों पर, इसी पर करेंगे डिस्कशन। चलिए देखिए, अभी मैंने समझाया ए मेरा वन था, डी मेरा फोर था, ठीक है बच्चों। देखना बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखिए अगर मेरे पास वन है, मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो मैं फोर ऐड करूँगा ना, कितना आएगा फाइव। अब मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए, नेक्स्ट टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा बताओ, फोर ऐड करूँगा नाइन। फिर मुझे दोबारा नेक्स्ट टर्म चाहिए, फोर ऐड करूँगा थर्टीन। तो सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म के लिए मैं ए ही रखूँगा, लेकिन मुझे अगर सेकेंड टर्म चाहिए तो उसमें मैं डी ऐड करूंगा। जिस तरह इसमें आप डी डी ऐड करते जा रहे हो, तो इसमें भी क्या करूंगा, ए प्लस डी, क्लियर है। अब आपने फिर दोबारा इसमें क्या ऐड करा, डी, तभी तो ना आया, तो मैं इसमें भी दोबारा क्या ऐड करूंगा बताओ, ए प्लस डी और टू डी हो जाएगा, क्लियर है। फिर मैंने दोबारा इसमें क्या ऐड करा, डी, तो मैं इसमें भी दोबारा क्या ऐड करूंगा, डी। अब सोचो फिफ्थ टर्म निकालूंगा तो उसमें दोबारा डी ऐड करो, ए प्लस फोर डी। लेकिन आपने सोचा अगर मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूं तो टू डी आ रहा है, अगर मैं फोर्थ टर्म निकाल रहा हूं थ्री डी आ रहा है, अगर मैं फिफ्थ टर्म निकाल रहा हूं फोर डी आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी इसमें कम आ रहा है। सोचो सोचो अगर मैं ऐसे करते करते इसका टेंथ टर्म निकालता तो मैं क्या लिखता, ए प्लस में एक डी कम लिखता ना। अब देखिए इसका नाइन्थ टर्म अगर देखते, अगर आपको निकालना भी हो तो सोच के देखो ना, इसका फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म आप कैसे निकालते, ए कितना है वन, डी कितना है फोर, दैट विल सेवनटीन, वन टू थ्री फोर फाइव, आप इससे कोई भी टर्म निकाल दोगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका टेंथ टर्म निकालो, आप क्योंकि सर वन नाइन इंटू फोर थर्टी सेवन आ जाएगा, क्लियर है। तो आप इससे कोई भी टर्म निकाल लोगे। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इसका 101 टर्म को क्या रीड करेंगे बताओ, ए प्लस 100 डी, ठीक है जी। अच्छा ऐसे करते करते, बस मैं बताना चाह रहा था, ऐसे करते करते हमें नहीं पता मेरे पास एन टर्म आएगा, क्या टर्म आएगा, एंथ टर्म। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है इसको लिखने का, ए प्लस में जो भी नंबर है उसमें से कम करके डी लगा रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस में एक कम करके डी लगा देंगे, कम करके डी लगा देंगे, तो हमारा एक जनरल टर्म बनता है ए एन या टी एन, ए प्लस में एन माइनस वन डी। बच्चों ये बहुत बेसिक चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है।
याद रखना, अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो ये फार्मूला है, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म, और ए एन का मतलब किसी पर्टिकुलर एपी में वो टर्म क्या है, विच टर्म, दैट इज कॉल्ड ए एन। एक और चीज होती है अर्थमेटिक मीन, ए प्लस बी। बच्चों अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज करो मेरे पास 2 और 8 है, मैंने इनका मीन निकाला, इनका मीन आएगा 5। अब इसको ना 5 को इनके बीच में रख दो तो ये AP बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? AP। तो ये हर AP में होता है, कैसे देखिए, ये इनके इनका मीन होगा, देखिए इसका मीन है 1 + 9 ½, 5, ये इसका मीन है, ये इसका मीन है, ये इसका मीन है, तो ये अर्थमेटिक मीन है। देखिए ध्यान से ना, 5 और 13 18 18 ½, 9, ये 26 ½, तो ये अर्थमेटिक मीन था। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था जो आपने हमेशा फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।